यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है रेन को एंजॉय कर रहे होंगे। और कराची में जो है प्री मानसून की बारिश का आगाज हो चुका है और गर्मी का जोर टूट चुका है। बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की बारिश हुई ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। तो आज मैं आपके साथ अपना बारिश का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बारिश के साथ साथ जो है लॉन्ग ड्राइव का मूड हुआ तो हस्बैंड के साथ जो मैं चली गई लॉन्ग ड्राइव पे, और बहुत ही खूबसूरत जो व्यू देखने को मिल रहे थे। और लॉन्ग ड्राइव का जो है ना वो अपना ही मज़ा है बारिश में। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत कुछ है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बारिश में जो है ना लॉन्ग ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। और रोडों पे अल्लाह का शुक्र है जो है पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, जमा था पानी लेकिन वो जो है ना जाता जा रहा था तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं था, नहीं तो वरना ट्रैफिक की जो रवानी है ना बहुत ज़्यादा मुतासर होती है जिसकी वजह से सबको मुश्किल होती हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लॉन्ग ड्राइव को इन्जॉय किया। और लॉन्ग ड्राइव के बाद जो है हम लोग घर चले गए थे। और घर जो है आते ही जो है ना वो हस्बैंड की फरमाइश हुई कि भाई पकौड़े बनाएँ, तो बस इसलिए जो है मैं अब गर्मा गर्म जो है आज बन गोभी के पकोड़े बना रही हूँ। तो आपके साथ भी मैं इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बन गोभी लेके इसको बारीक बारीक सा काट लिया है। इसके साथ इसमें हरी मिर्चें डलेंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। साथ इसके अंदर एक अदद मैंने प्याज ले लिए और इसके अंदर जो है मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। और ये मसाले मैंने ले लिए हैं, पिसा हुआ जीरा है, पिसा हुआ धनिया है, और जी इसके अलावा जो है सॉल्ट लिया है मैंने, हल्दी ली है, अजवाइन है और लाल मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम जो है मसाला जात ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है तकरीबन जो है दो प्याली बेसन, और इसके अंदर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है मैं दही ऐड करूंगी। इससे जो पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। तो अब मैं जो बन गोभी के अंदर है तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर रही हूं और जी बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग मिक्स करेंगे और इंतहाई कुरकुरे और मज़ेदार बनते हैं ये पकौड़े। और बारिश में जो है ना इनका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। आई थिंक आप लोगों ने बन गोभी के पकौड़े बहुत कम ही ट्राई किए होंगे, तो आज आप लोग हमारे साथ जो है वीडियो आप पूरी फुल देखें और इसके बाद आपने ट्राई भी ज़रूर करना और मुझे बताना है कि कैसे बने। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। तो बस ये हमारे जो क्रिस्पी से जो है ना पकोड़ा फटाफट से रेडी हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, एक तरह का चाइनीज़ पकौड़ा जैसा इसका टेस्ट होता है, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो ये गर्मा गर्म पकौड़े जो है ना रेडी हो रहे हैं। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कॉमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना है। और इसी तरह हम अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये पकोड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बस अब इसे मैं प्लेट में निकालूंगी और ये मैं इसे अब निकाल रही हूँ। आप लोग को रेसिपी हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आप लोग बारिश में कौन से पकोड़े बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।